नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। दोस्तों, अगर आप अपना वीडियोस मोबाइल पे बनाते हैं तो आपको सबसे जरूरी जो चीज है वो है ये वाला। तो आज मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं इस मोबाइल ट्राइपॉड का, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले एक जमाना था जब वीडियो करने के लिए लोग DSLR खरीदते थे, मतलब DSLR से ही पहले अच्छा वीडियो आता था, लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन अभी जो मोबाइल्स है, नया नया जो मोबाइल्स है, उनका भी क्वालिटी DSLR से कम नहीं है। दोनों के वीडियोस में ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो अगर DSLR के लिए आप DSLR ट्राइपॉड खरीदते हैं तो मोबाइल के लिए एक मोबाइल ट्राइपॉड क्यों नहीं खरीदते? ये आपको लेना ही चाहिए अगर आप वीडियो मोबाइल से बनाते हैं तो, क्योंकि ये मोबाइल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को बहुत आसान बना देता है। मोबाइल ट्राइपॉड होने से आपको किसी से भी सहायता लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप अकेले वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए पहले करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी हो गया है एक साल पहले ही। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको ये मिलेगा, ऐसा एक बैग में आता है ये ट्राइपॉड। तो इसको खोलते हैं, देखिए। तो ये निकला ट्राइपॉड, मोबाइल ट्राइपॉड, और ये मोबाइल होल्डर। इस मोबाइल होल्डर को ऊपर लगाना पड़ेगा। ये बहुत छोटा है, देखिए कितना छोटा है, आसानी से बैग में फिट हो जाता है, कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो इसको खोलना भी बहुत आसान है, ऐसे जस्ट खुल जाता है ऐसे। तो अभी मैं इसमें ये जो मोबाइल होल्डर है ये लगाऊंगा ऊपर में। ऊपर में देखिए एक स्क्रू है, वहाँ पे इसको लगाना है ऐसे, नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं ये है स्क्रू, इसको भी आप घुमा के लगा सकते हैं इसे, देखिए लग गया है। और यहाँ पे एक स्पिरिट लेवल है, देखिए यहाँ पे एक लेवल है ये ट्राइपॉड को एडजस्ट करने के लिए, आपको पता चल जाएगा कि सरफेस प्लेन है कि नहीं। तो अभी मैं इसमें एक मोबाइल लगाने वाला हूँ। मोबाइल को लगाना बहुत आसान है, ऊपर का जो ये हिस्सा है ये ऊपर आता है। तो मोबाइल को आप पहले ऐसे लगा लीजिए, उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा ऊपर खींचिए और मोबाइल फिट हो जाता है आसानी से। और ये जो नट्स है इसको ढीला कीजिए और आप इसको दाएं बाएं से कर सकते हैं। और ये जो हैंडल है ये हैंडल भी ऐसे ढीला कर सकते हैं, ढीला करने से ये ऊपर नीचे होता है, उसका नीचे करके आप इसको फिर से घुमाइए, ये टाइट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप किसी चीज का मोबाइल से वीडियो करना चाहते हैं तो ये बहुत काम आता है। देखिए जैसे मैंने अभी कुछ लेंसेस का वीडियो कर रहा हूँ मोबाइल से, तो ये आसानी से हो जाता है कुछ इस तरह से, देखिए। और उसके बाद ये जो नट है ये ढीला करने से इसका हाइट ऊपर होगा, हाइट कम होगा, जितना हाइट चाहिए उतना लेके आप इसको टाइट कर सकते हैं, तो ये उतना में रुक जाएगा। और उसके बाद अगर आपको मोबाइल सीधा करना है तो इसके लिए यहाँ पे और एक नट है, इसको ढीला कीजिए और इसके बाद मोबाइल ऐसे हो जाता है, देखिए। तो अभी मोबाइल सीधा हो गया। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे पे जो ये थ्री लेग्स है यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे खोल सकते हैं आप, ऐसे खोला जाता है, उसके बाद ये लंबा हो जाएगा, ऐसे ऐसे लंबा हो जाएगा, आपको जितना चाहिए उतना करके आप इसको लॉक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लॉक कर सकते हैं, ऐसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। मतलब ये ट्राइपॉड इतना छोटा नहीं है, आप इसे बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये देखने में छोटा है लेकिन असल में ये काफी लंबा हो जाता है, देखिए कितना बड़ा हो गया, अभी 1 मीटर से भी ऊंचा हो गया है, 108 सेंटीमीटर। और इस ट्राइपॉड को बंद करने के लिए सिर्फ इसको ऊपर खींचिए, देखिए बंद हो गया। तो ये है छोटा लेकिन काम इसका बहुत बड़ा बड़ा है। और ये मोबाइल ट्राइपॉड होने के साथ साथ ये सेल्फी स्टिक का भी काम करता है, देखिए ऐसे। लेकिन यहाँ पे वो बटन नहीं होगा दबाने के लिए, आप वीडियो कर सकते हैं ऐसे। अगर आप मोबाइल से ब्लॉक करते हैं तब भी ये काम आने वाला है। ये प्रोडक्ट जितना यूजफुल है दाम उतना ही कम है। तो अगर आपको ये खरीदना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। और अगर आपका एक रेसिपी चैनल है तो ये तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो रेसिपी चैनल्स है वो लोग मोबाइल से शूट करते हैं और ये बहुत काम आने वाला है उन लोगों के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कुकिंग का सेटअप, ये देखिए। तो ऐसे आप कुकिंग कर सकते हैं और मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये मैंने गैस स्टोव के ऊपर ही रखा है, तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ये छोटा है तो ये काम में आ जाता है, किचन में फिटिंग हो जाता है।
तो दोस्तों आपने देखा कि ये मोबाइल ट्राइपॉड कितना यूजफुल है, तो ये आपको खरीदना ही चाहिए। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।